नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फ्रेंचाइजी की बात पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 5 ग्रोसरी सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी के बारे में। दोस्तों, लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस ठप हो गए थे, लेकिन ग्रोसरी का बिजनेस अच्छे से रन कर रहा था। जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ने वाली है, वैसे ही वैसे ग्रोसरी का भी बिजनेस बढ़ने वाला है। एक सर्वे के हिसाब से 2024 तक ग्रोसरी मार्केट इंडिया में $790 बिलियन का होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 5 ग्रोसरी सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे और इस इंडस्ट्री में होने वाले टफ कंपटीशन में कैसे सरवाइव करना है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मेरी लिस्ट के हिसाब से नंबर 1 पे आती है भानुमार्ट कंपनी। ये कंपनी आपसे ना ही कोई फ्रेंचाइजी फीस लेने वाली है, ना ही कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने वाली है। अगर इस कंपनी से आप अपने सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये कंपनी आपको मार्केटिंग में हेल्प करेंगी। ये कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मार्केटिंग करती है। ऑफलाइन मार्केटिंग की वजह से कस्टमर आपके यहाँ पे शोरूम में आ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से आपको ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे, उन ऑर्डर को आपको पैक करके डिलीवरी करवाना होगा। तो इस केस में ये कंपनी आपको डिलीवरी बॉय भी प्रोवाइड करेगी, और अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जरूरत पड़ने वाली तो उसके परचेस में भी आपको ये हेल्प करने वाली है। इसके अलावा ये कंपनी आपको और आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएंगे। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में कम से कम 600 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों, इस कंपनी में आपका लगने वाला इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है आपकी जगह के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 1,000 स्क्वायर फीट की जगह है तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको पड़ेगा 1,000 से लेकर 2,000 पर स्क्वायर फीट। अगर मैं 1,000 स्क्वायर फीट पकड़ता हूँ तो प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाएगा आपका 10,00,000 रुपया, और इस कंपनी की इंटीरियर कॉस्ट होती है 700 से लेकर 1,000 स्क्वायर फीट की। अगर मैं इंटीरियर कॉस्ट 700 रुपया पकड़ता हूँ तो 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो हो गया 7,00,000 रुपया। इसके अलावा आपके पास में 2 से लेकर 2,500 रुपए का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो दोस्तों, इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में कम से कम 20 से लेकर 25 लाख रुपया होना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपके पास में 1,000 स्क्वायर फीट की जगह है तो इस कंपनी की फ्रेंचाइजी आपको पड़ेगी 20 लाख रुपए तक। अगर आपके पास में 600 स्क्वायर फीट की जगह तो आपका कॉस्ट हो जाएगा 11 लाख रुपए के आसपास में। अगर आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं और आपने रेंट पे अपनी स्पेस ली हुई है तो आपका रेंट एग्रीमेंट कम से कम 4 साल का होना चाहिए। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप डबल इनकम कर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन तो आप इनके प्रोडक्ट बेचने वाले ही हो। इसके अलावा इनकी ई कॉमर्स साइट और मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर उसके थ्रू आपको कोई भी ऑर्डर आता है आपके एरिया में तो आपको उसकी डिलीवरी करनी होगी। तो इन दोनों तरीकों से आपको डबल इनकम का बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अगर मैं ग्रोसरी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो आपको ऑन एन एवरेज 10 से लेकर 20% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अगर मैं 10% का प्रॉफिट मार्जिन पकड़ूं और आपने पूरे महीने भर में 5,00,000 रुपए की सेल करी है तो आप आसानी से 50,000 रुपया कमा सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1 से 2 साल का। मेरी लिस्ट के हिसाब से दूसरे नंबर पे सेवन हेवन कंपनी। इस कंपनी के पूरी इंडिया में 50 से ज्यादा सिटी में 100 से भी ज्यादा स्टोर अवेलेबल है। ये कंपनी 1200 से भी ज्यादा ब्रांड में डील करती है, और इस कंपनी के पास में 20,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी तक इस कंपनी ने 1,00,000 से भी ज्यादा कस्टमर को सर्व किया है। अगर इस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम 300 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अगर इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगने वाले इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लगेगा इनकी फ्रेंचाइजी फीस में। इनकी फ्रेंचाइजी फीस है 2,10,000 प्लस GST। इसके अलावा ये कंपनी आपसे सॉफ्टवेयर का भी चार्ज लेने वाली है। सॉफ्टवेयर का चार्ज लगेगा 50,000 पर लॉगिन। इसके अलावा ये कंपनी आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1,00,000 रुपए का। इसके अलावा ये कंपनी आपसे पर स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट का चार्ज करती है 1,500 रुपया। इंटीरियर कॉस्ट का ये कंपनी चार्ज करती है 1,000 से लेकर 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बजट प्लानिंग करनी है तो इनके पास में इनका बजट प्लानिंग वाला कैलकुलेटर है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। जब आप इनकी साइट पर जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ ये बजट प्लानिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें अगर मैं 300 स्क्वायर फीट डालता हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 1,00,000 रुपये का हो गया, सिंगल सॉफ्टवेयर फीस हो गई आपकी 50,000 रुपया, 1,000 रुपए के हिसाब से आपका इंटीरियर कॉस्ट हो गया 3,00,000 रुपया। अगर इस कंपनी की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 300 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका अप्रोक्सीमेटली 10,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाने वाला है। अगर मैं इसको 1,000 स्क्वायर फीट कर देता हूं तो इसमें आपकी फ्रेंचाइजी फीस सेम रहेगी, सॉफ्टवेयर का चार्ज सेम रहेगा, प्रोडक्ट परचेसिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी 10,00,000 रुपया, और इंटीरियर कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा 10,00,000 रुपया। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से इनकी फ्रेंचाइजी के लिए 24,00,000 रुपए के आसपास लगने वाला है। इस ब्रांड की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये
तीन महीने तक आपसे कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं करने वाले हैं। तीन महीने के बाद में आपका जो भी बिजनेस होगा उस पर ये 3% का रॉयल्टी चार्ज करने वाले हैं। दोस्तों ये सारी कंपनियां डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदने वाली है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। ये प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी आपके साथ में शेयर करेगी, जिसकी वजह से आपके कस्टमर को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। प्रॉफिट मार्जिन के कारण आपके स्टोर पे हमेशा ऑफर और डिस्काउंट रहने वाले हैं, जिसकी वजह से कस्टमर आपके यहाँ पे आएगा और प्रोडक्ट को परचेस करेगा। इसके अलावा ये कंपनी आपको मार्केटिंग में भी हेल्प करेगी और आपके स्टाफ को हायर करने में भी आपकी हेल्प करेगी। ये कंपनी आपको 24/7 कॉल सपोर्ट भी देने वाली है। इनकेस आपके सामने कोई भी मुसीबत आ जाती है तो आप इनको कॉल करके रिजोल्व कर सकते हो। इस कंपनी की सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी आप 6 स्टेप में ले सकते हैं और वो 6 स्टेप को फुलफिल करने के बाद में आपका सुपरमार्केट 2 से 3 महीने में रेडी हो जाएगा। मेरी लिस्ट के हिसाब से तीसरे नंबर पे मेगा मार्ट कंपनी। ये कंपनी भी 1000 से ज्यादा ब्रांड में डील करती है और 18,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट रेंज इनके पास अवेलेबल है। नॉर्मली कोई भी सुपरमार्केट की आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके सुपरमार्केट को सेटअप करने का 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, लेकिन ये कंपनी आपको 1 महीने के अंदर सुपरमार्केट सेटअप कर देगी। जिसमें ये कंपनी क्या करने वाली हूँ मैं आपको बताता हूँ। जिसका पहला स्टेप है 1 से 6 दिन में ये कंपनी आपके स्टोर का लेआउट एंड डिजाइन फाइनलाइज करेगी। 1 से 10 दिन के अंदर आपको ये GST रजिस्ट्रेशन करवा के दे देगी, आपको FSSAI का लाइसेंस प्रोवाइड करवा देगी। उसके बाद में ये कंपनी 1 से 25 दिन में आपके सुपर मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर देगी। उसके बाद में 23 से 26 दिन में आपके यहाँ पे साइनेज बोर्ड वगैरह लग जाएंगे। 25 से लेकर 28 दिन में आपके यहाँ पे IT का सेटअप कर दिया जाएगा बिल्डिंग वगैरह के लिए, और 30वें दिन में आप अपने सुपर मार्केट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 महीने में ये पूरे सुपर मार्केट को सेटअप करते हैं। इस कंपनी की भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में कम से कम 500 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। ये कंपनी आपको 1 टाइम फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करती है, जो है 1.6 लाख प्लस GST। इसके अलावा आपके स्टोर पे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से इनको आपको 2.5 का रॉयल्टी देना होगा। अगर आपका स्टोर प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो ये आपसे रॉयल्टी भी चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप इस कंपनी की सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेते हैं और आपके पास में 500 स्क्वायर फीट का जगह है तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा कम से कम 12 से 13 लाख रुपया। ये कंपनी क्लेम करती है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 27% का होगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी ग्रोसरी सुपरमार्केट का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट होता है 10 से लेकर 20% के बीच में। अगर मैं 10% का भी मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन पकड़ता हूं और अगर आप महीने का 5 लाख रुपए का भी सेल कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 50,000 रुपए का। तो उस हिसाब से आपके लगे हुए पैसों को रिकवर करने के लिए आपको लग जाएगा 2 से 3 साल। इसके अलावा ये कंपनी भी आपको अलग अलग तरीकों से हेल्प करने वाली है, जैसे कि मार्केटिंग के अंदर, टीम की ट्रेनिंग के अंदर वगैरह वगैरह। मेरी लिस्ट के हिसाब से 4th नंबर पे ग्रोसरी फॉर यू कंपनी। ये कंपनी 3 तरह की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, फोफो मॉडल, फोको मॉडल और वेयर हाउस मॉडल फ्रेंचाइजी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको फोफो मॉडल के बारे में ही बताने वाला हूं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फोफो मॉडल का फुल फॉर्म होता है फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इस कंपनी की सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास में कम से कम 500 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इनकी फ्रेंचाइजी फीस है 2,75,000 प्लस GST। प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगा आपका 1,500 रुपया पर स्क्वायर फीट। समझ लीजिए आपके पास में 1,000 स्क्वायर फीट की जगह है तो प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगा आपका 1,500,000 रुपया 1,500 रुपए के हिसाब से। इसके अलावा इंटीरियर कॉस्ट आपको पड़ेगा 1,200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से वो हो गया 1,200,000 रुपया। इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर का देना होगा 55,000 रुपया पर लॉगिन का। सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको इनको 5,00,000 रुपए के 2 अनडेटेड चेक देने होंगे। दोस्तों ये तो मैंने आपको 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बताया। अगर आपकी शॉप 500 स्क्वायर फीट की है तो दोस्तों 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 30 से 32 लाख रुपया। अगर दोस्तों आपके पास 500 स्क्वायर फीट की जगह है तो उस हिसाब से ये कॉस्ट हो जाएगा आपका 17,00,000 रुपए से लेकर 20,00,000 रुपए के बीच में। दोस्तों आपको भी इस कंपनी की तरफ से, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बहुत सारे सपोर्ट मिलने वाले हैं, तो इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस कंपनी का डिटेल वीडियो बनना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेरी लिस्ट के हिसाब से लास्ट और 5वें नंबर की कंपनी के बारे में। 5वें नंबर की कंपनी है अर्धसैनिक कैंटीन कंपनी। दोस्तों इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके सामने एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपकी फैमिली में से कोई ना कोई सदस्य आर्मी से होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में से कोई सदस्य आर्मी से है तो ही ये फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कंपनी आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स और सैनिकों को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। अर्धसैनिक कैंटीन के पूरी इंडिया में 792 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर रन कर रहे हैं। इनकी पूरी इंडिया में 12 से भी ज्यादा डेपो जहां से ये माल को सप्लाई करते हैं। ये कंपनी 571 से भी ज्यादा वेंडर और ब्रांड से जुड़ी हुई है। इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए प्रोसेस ये है कि आपको पहले इनके साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इनके साथ में आपका एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट हो जाने के बाद में ये आपको अप्रूवल देते हैं और अप्रूवल होने के बाद में इनके डेपो से आपके यहाँ पे सामान आ जाएगा। इस कंपनी में आप ग्रोसरी के साथ साथ अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बेचने तो वो भी आप बेच पाएंगे। अगर इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगने वाले इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर आपके पास में 1,000 स्क्वायर फीट की जगह है तो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा 10 से 12 लाख रुपए के आसपास में। तो दोस्तों मेरी लिस्ट के हिसाब से ये 5 कंपनियां हैं जिनकी आप ग्रोसरी सुपर
सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इन कंपनी में से किसी भी कंपनी की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको ये 5 कंपनियां सजेस्ट करी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आंख बंद करके इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर दें। आप अपने लेवल पे भी अपनी रिसर्च करें और पूरी रिसर्च करने के बाद में ही इन कंपनियों से जुड़े। और अगर आपको ग्रोसरी इंडस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप अपना खुद का भी सुपरमार्केट खोल सकते हैं। उस कंडीशन में आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है तो आप इनमें से कोई भी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।